शिफ्ट टाइम थोड़ा सारा स्वागत है। मैं डिंपल वर्मा, मेरे कन्नै कैमरामैन मीनू वर्मा, ब्लॉग नगोटा गुजरू, तहसील हैडक्वार्टर रामपुर। अज मैं खड़ोते दा यह मेरे पिछे तुस जेका ये बोर्ड दिखी जाने ना, एक तहसीलदार साहब हुंदा ऑफिस दा बोर्ड है। लेकिन अगर इसकी असलियत अगर मैं दसा तुसें तो यह जेका दफ्तर जेका बने दा ना, ये दरअसल तहसीलदार साहब हुंदा दफ्तर नहीं है। यह जेकी बिल्डिंग है ना, यह कुसे होर गै डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। क्यों? क्योंकि जिनी जनता जनार्दन इत्थों दे रामकोट की जानती है तो जनता की भी तुसें गल सुनी है कि यह जेकी बिल्डिंग है ना, यह बिल्डिंग साढ़े तहसीलदार साहब हुंदा दफ्तर नहीं है बल्कि कुछ और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ही। लेकिन फिर भी साढ़े तहसीलदार साहब उपर जेका काम करी जाते और इंदे कर्मचारी जेके जीरो ग्राउंड उपर काम करी जाते। लेकिन साढ़े जेके दैनिक शिफ्ट टाइम के पत्रकार अज जीरो ग्राउंड उपर अज एक तारीख भुगतने आ दे, क्योंकि साढ़े खिलाफ एक विरुद्ध जेकी एफ आई आर दर्ज हुई। और एफ आई आर दर्ज होने की यह वजह ही कि असी पंचायत अमवाला की जनता ने असें फोन करिए सद्या, साढ़े अगर फोर्सली उन्हें सद्या कि साढ़े ग्रां की समस्या हाईलाइट करो, साड़ी प्रॉब्लम सुनने आवो। अस जियां पंचायत बिच गए लेकिन उन्हें बाद च साढ़े उपर एफ आई आर दर्ज होती कि तुम जेके साड़ी पंचायत बिच जाओ, जाने की पहले तो सारी कुछ परमिशन लेनी चाहिए ही, जो फिर असी दवाने की कोशिश की जाती। अज मैं उगे तरीक भुगतनी अज मैं जो जो तुम्हें केस जो अज को एक महीना पहले तुम्हें देखा तो उगे बंदा जो मेरे कन्नै अज मौजूद है। अज तुम किस केस बिच आते भला इतना सर जी? क्योंकि साढ़े खिलाफ एफ आई आर दर्ज करा दी है सरपंच होरें। अच्छा, ते अस इस करियै असें आखेआ इधर आओ तो अस आ गए इधर, ते हुन दिखदे केह् है केह् मसला नहीं है, दिखदे आं। मगर अगर थोड़ी सरपंच अगर थोड़ी गल नहीं सुने दे आने, अगर थोड़ी एफ आई आर दर्ज करवाने जेके वो इत्थे तकर पुजी लेकिन थोड़े घर तकर थोड़ी समस्या सुनने तक नहीं पुजी? नहीं पुजे जी, नहीं पुजे। एक बार गए मगर सरासर दवाने की कोशिश की जा रही? बिल्कुल सर जी, क्योंकि एक बार गए कोई होई गया डेढ़ साल, तो उन्हें क्या आखिया इयै कि अपना मकान पुट्टी लो इतों। असें आखिया मकान पुट्टी अस कुछ जाचै, असें होर जगह दियो ना, मकान पुट्टी लो। ठीक है सर, चलो ठीक। ये तुसें दिखिया इंदे लोकें की जेकी मूँह जबानी, लेकिन पुलिस ने भी अपना अच्छी कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस के लागी हर बंदा जंदा, चोर भी जंदा ते साध भी जंदा। पुलिस के लागी जेड़ा भी आंदा उन्हें अपनी कार्रवाई करनी है, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई अच्छी की। लेकिन नुहाड़ा बाद जेकी फर्स्ट फर्स्ट मैजिस्ट्रेट पावर जेकी तहसीलदार साहब हुंदे लागी जेका केस इन्हें बंदे दा पुज्जी दा, लेकिन उसने इंदे कन्नै कन्नै जेकी वह साढ़े उपर भी जेकी एफ आई आर लगी दी, क्योंकि उस एफ आई आर की पुख्ता जानकारी इस मैं खुद अज इतने तहसीलदार चलिया और उन्दे जिन्हें लागे साढ़ा केस है उसके केस के उपर दसना कि साढ़े उपर एफ आई आर किस बुनियाद उपर लगी और किस वजह कन्नै लगी। लेकिन नुहाड़े कन्नै तुसें जरूर दिखना कि उपर तहसीलदार साहब हुंदा ऑफिस है, क्या तहसीलदार साहब ड्यूटी उपर करा दे न, या नायब साहब ड्यूटी रहन, या पटवारी ड्यूटी रहन, या उपर जिन्ना भी डिपार्टमेंट कर्मचारी है, बेशक इंदे लागे बिल्डिंग नहीं है, इंदे लागे अपना दफ्तर नहीं है, लेकिन फिर भी इत्थे दफ्तर बैठिए केड़ा केड़ा बंदा इत्थे ड्यूटी करा दा, केड़ा केड़ा नहीं करा दा। अज तुसें जीरो ग्राउंड उपर लाइव दिखना तुसें। जियां कि हुण तुसें दिखिया कि मैं जीरो ग्राउंड उपर इत्थे पुज्जा, मैं अग्गे इत्थे दिखना कि इत्थे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक भी है, क्योंकि सारे पता कि इस वेले कोविड का टाइम है, इस वेले अनुशासन बिच सारे अपना मास्क पाइयै भी आते हैं इत्थे। लेकिन इत्थे दिखना कि केड़ा डिपार्टमेंट के केड़े केड़े कर्मचारी इत्थे आते हैं और किन्नी जेकी पब्लिक आ रही है। ये देखो सामने तुस दिखी जाने कि जेका क्योंकि इस वेले मौसम की चेंजिंग की वजह कन्नै जेका मौसम च जेका घबराहट जेकी आवा दी उस चेंज की वजह कन्नै जेके ऑफिस जेके जिन्ने भी कर्मचारी हैं सारे बाहर बैठे, जैसे तहसीलदार साहब भी बैठे, नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं और गुरदौर साहब भी बैठे, पूरी जनता इत्थे आ गई इंदी जी समस्या जो सुनया करते हैं। अज पास कर दे तुस दिखा नहीं जीरो ग्राउंड उपर कि अच्छा काम करा दे रामकोट तहसीलदार दे कर्मचारी, तहसीलदार साहब हुंदे जेके कर्मचारी ने। ये तुस दिखो जेका लोकें जेका मुआवजे की लोकें जेकियां वो फसलां बर्बाद होंदियां नी उन्हें दा मुआवजा दिलाने वास्ते जेके कियां दड़ादड़ लगदे सारे, और लोग भी आते हैं इत्थे। ये बिल्डिंग दिखो लोग भी आते इत्थे जिन्हें जिन्हें नुकसान होता कोई तरीके का, कोई अपनी नकल कढ़ाने का दड़ादड़ लगे। देखो ये जीरो ग्राउंड उपर किन्ने देखिए है किन्ने देखिए चेक कर नहीं सवेरे दे आदे शाम होने आए, लेकिन अली तकर साड़ी डिंपल वर्मा हुंदी जेकी ओह ते कोर्ट च जेकी ओह तरीक भी जेकी ओह नहीं अली सुनवाई होई उन्होंने उपर कि क्यों डिंपल वर्मा दे ही जेका इत्थे तहसीला सद्या क्यों एफ आई आर लगी, उसे सरपंच ने जेकी अमोला सरपंच ने जेकी एफ आई आर लवा दी अकॉर्डिंग जेकी अज पूरा दिन जेका टुट गया सारे पता तहसीलें केह होंदा, लेकिन सारे आ दे। लेकिन जिन्हें बंदे एफ आई आर दर्ज करवा दी जनता सारे देखन उन्हें बंदे दा एक भी बंदा जेका उत्थे जेका नहीं है इत्थे आ दा, जिस बंदे एफ आई आर दर्ज करवाई जिस बंदे केस कीता तां ओह बंदा इत्थे लब्भे दा तक नहीं है। सवेरे दे अस बैठे साढ़े दस बजे दे, लेकिन तीन बजे इस वेलै तुस दिक्खी आने 3 बजे तक दे वीडियो 1 घंटा टाइम बचदा
लेकिन एक भी बंदा जेका उंदा जिन्ने बंदे एफ आई आर दर्ज करवाई तो नहीं आया। लेकिन अस जेके कानून का पूरा पालन करने, पुलिस डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पैक्ट करने, एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रिस्पैक्ट करने, लेकिन कानून कोला बचना जेडे बंदे बचते लेकिन वो शायद फेस टू फेस जेके नहीं आते हैं। तो देखो सारे बैठते इतने, पूरी पब्लिक आ दी इतने और कन्ने काम चला दे। ये एप्लीकेशन जी दी ना मैं, ये एप्लीकेशन है मैं राम कुनाए तहसीलदार ने बोला कि तुम जी मजिस्ट्रेट तहसील हैडकुआटर परमिशन लेने पौती पहले फिर थोड़ी इस दिन कवरेज करी सकने। ये मैं कवरेज करने जी तहसीलदार साहब होरें एप्लीकेशन देनी है, क्या मैं परमिशन देंगे या नहीं देंगे है। क्या मीडिया कर्मचारी कुसै परमिशन लेइए कुसै दफ्तर चली जाएगा तो यह जनता जनरल अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें। दिखना जेका केस के मसले बच्चे आता मैं जेड़ा अपना पंचायत मौला की मैं कवरेज की ही उत्थों के सरपंच ने मेरे खिलाफ एफ आई आर दर्ज की, पुलिस ने भी अच्छा काम किया, लेकिन नुहाड़े बाद रेवन्यू डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया क्योंकि फस्ट मजिस्ट्रेट पावर जी तहसीलदार साहब होंगे उन्हें लगे अच्छी सारी पेशी है सिर्फ कोदी वजह कन्ने पंचायत उमाला की वजह कन्ने। अगर सोचो पंचायत उमाला के सरपंच अगर उत्थों के ग्रां अगर इन्हें दबाने की कोशिश करते हो तो अस अगर
दैनिक शिफ्ट टाइम दे त्री टीम दे पत्रकार अगर उस ग्रां बिच जाइयै अगर कवर कर कवरेज करगे अस ते असें बी अगर पेशियां होंदियां रौह्न ते अदर पंचायत दे जिन्ने बी सरपंच जां पंच होन तां अस टाइम वेस्ट आस्तै नी दिक्खो सवेरे अस आए इत्थै असें ना रोटी नी कोई चाह नी कोई पानी नी कि ना कोई दुकान इत्थै एह् तहसीलदार साहब हुंदी बिल्डिंग नी है बल्कि एह् वर्ल्ड बैंक आह्ली बिल्डिंग ही एह् लेकिन इत्थै दफ्तर बिच फिर भी कम्म करा दे लेकिन साढ़ी बेकी ओह् अनसैसरी टाइम वेस्ट क्योंकि अस कुसै ग्रां की कवरेज नहीं करचै अस इंडियां जेह्कियां सच्चाइयां जेह्के काले चिट्ठे जेह्के होंदे न इ'यै दे लोकें जेह्के गरीबें जेह्की दबाने की कोशिश करदे इंडियां जेह्कियां सच्चाइयां अस बाहर लाने नुहाड़े आस्तै बाद च एह् केह् करदे कि जां हरैसमेंट करने जां पुलिस स्टेशन भेजदे जां फिर तहसीलदार साहब दे लागे भेजदे जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स बिच जरूर देई दे क्योंकि एह् बड़ा छोटा मसला नहीं है एक पंचायत का मसला नहीं एह् मसला जेह्का पूरी सतारे पंचायत दे सिर्फ एक सरपंच ने जेह्की साढ़े उप्पर जेह्की एफ आई आर दर्ज करवाई नान ससरी जेह्का ओह् असें हरैसमेंट करने की कोशिश की और दबाने की कोशिश करी जानते कि महाराज तुस जेह्के साढ़े विरुद्ध नहीं बोलन जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स बिच दे अस कुसै दे आपत्ति बिच नहीं हैन लेकिन अगर कुसै पोलिटिकल लीडर की साढ़े विपरीत जेह्की कोई लगदी तो अपना वर्जन भी ओह् मीडिया बिच भी देई सकदा अपना वर्जन भी देई सकदा क्यों अगर एफ आई आर दर्ज करवाई क्यों अज जेह्के इत्थुआं दे पंचायत उमाला दे जेह्के सरपंच इत्थै मौके दे क्यों नहीं अज साढ़ी टीम इत्थै पुज्जी दी लेकिन साढ़े जिंदे उप्पर एफ आई आर दर्ज ओह् पुज्जी दे लेकिन जेह्के जिन्हें करवाई ओह् पुज्जे गै नहीं इसदा मतलब एह् है ना कि जेह्की एह् जगह जेह्की है तां एह् जेह्की जिस जगह उप्पर मैं खड़ोता अज्ज इस जगह दी जीरो ग्राउंड दी कवरेज तुसें लाइव दिक्खनी अज्ज शिव टाइम दे सारे दर्शकें मेरा राम राम मैं डिंपल वर्मा मेरे कन्नै कैमरामैन मीनू वर्मा ब्लाक नरकोटा गुजरू तहसील हैडकुआटर रामकोट पंचायत उमाला की गल करनी है अज्ज मैं दो महीने पहले एक मैं जेका पंचायत उमाला का एक मैं मसला चुकया हा लेकिन मसला चुकने की वजह यह कि पब्लिक ने असें सद्या असें पब्लिक की कवरेज की लेकिन उस कवरेज हा बाद जेके पंचायत उमाला के जेके सरपंच न उन्हें बाय रिटन साढ़े खिलाफ कंप्लेन की कि तुस जेकी साड़ी पंचायत दे विच जेके आए और तुसें उसकी कवरेज करने हा बाद तुसें जेका साड़ी पक्षपात दे जेका साढ़े तुसें विरुद्ध जेके पब्लिक गी भड़काया और पब्लिक ने जेके अभद्र भाशा कन्नै जेके बयान तुसें ओह् शायद सोशल मीडिया बिच तुसें जरूर सुने होने तो मैं अज्ज वीडियो दे माध्यम कन्नै तुसें मैं इक गल्ल दस्सना कि पुलिस डिपार्टमेंट दे लागी अगर कोई भी चली जा तो उन्हें उंदी कार्रवाई करनी होंदी क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जिन्नी ईमानदारी कन्नै काम करा दा ना तो शायद इन्ना दुए डिपार्टमेंट भी करा दे न लेकिन नुहाड़े हा बाद च पुलिस डिपार्टमेंट बारी आई जंदी ऐ जेल्लै रेवोल्यूशन डिपार्टमेंट दी तो इन्हें भी डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की क्योंकि जी एफ आई आर की कापी ही वो केस जेका साड़ा चला दा हा तो इस वेल्लै साड़ा केस चला दा इस वेल्लै तहसील हैडकुआटर रामकोट बिच फस्ट स्टेट मजिस्ट्रेट पावर तहसीलदार साहब हुंदे लागे लेकिन केस दे उप्पर जेकी अगर नज़र पाई दी जा तो 107 दा जेका परचा लगदा सिर्फ कोहदे खिलाफ दैनिक शिफ्ट टाइम दे पत्रकार डिंपल वर्मा दे उप्पर और उस परचे दे उप्पर तुस एह् फोटो कापी तुस दिक्खी जाने नुहाड़े कन्नै तुस एह् भी दिक्खना कि जेके अज्ज दी डेट दे विच जेका ओह् परचा लग्गिया क्या एक पत्रकार गी क्या एक मीडिया कर्मचारी गी कुसै ग्रां बिच जाइयै जनता असें बुलांदी ऐ तां अस जन्ने क्या अस कुसै ग्रां बिच जाइयै ते जाने हा बाद च अगर अस कवरेज करने ते अगर साढ़े खिलाफ अगर एफ आई आर दर्ज होई जाग तो सोचो पब्लिक जनता जनरल अपनी राय जरूर दे दे कि तो सोचो कि बाकी पर उस पंचायत दे बिच किन्ने पब्लिक रौंह्दी क्या उन्हें पब्लिक दे बिच उन्हें लोकें का केह् होग अगर एक पत्रकार की दबाने की अगर कोशिश करी जा दे तो बाकी पंचायत दे बिच जेहड़े वह बंदे उत्थे जिन्हें बंदे असें कवरेज की है अगर उन्हें बंदे की सुनवाई करने नहीं आई सकते अगर एफ आई आर दर्ज करवाने डिंपल वर्मा के खिलाफ अगर पुलिस स्टेशन के बिच जाई सकते क्या जिस बंदे दी सोशल मीडिया बिच न्यूज़ वायरल हुई है क्या उन्हें बंदे की समस्या सुननी क्या सरपंच का लागे टाइम नहीं होया क्योंकि असें एक महीना पहले कवरेज की डेढ़ महीना पहले की और कल की असें फिर कवरेज की और अज मेरा कवरेज करना आए मकसद क्योंकि असें तहसीलदार आए अस क्योंकि असें कोई तहसीलदार साहब ने या पुलिस पोस्ट रामकोट ने असें कोई अंदर नहीं दिता लेकिन सवेरे 10:30 बजे अस इतने बैठते लेकिन इस टाइम उपर जो 4 बजे न लेकिन 4 बजे तक करके होया कि असें अपनी जमानत करवाने पईयां साड़ी पेशी तहसीलदार साहब अग्गें हुई लेकिन अस फिर भी अगर जमानत उपर अस निकली गए लेकिन साड़ा आखने का मतलब इयो कि अगर अस अगर कुसै पंचायत बिच जां कुसै विलेज बिच जाइए अगर अस रिपोर्टिंग करगे तो क्या अगर हर पंचायत का सरपंच या पंच अगर साढ़े खिलाफ अगर एफ आई आर दर्ज करवाने उप्पर तुली जाङन तां फिर सोचो जेह्की फोर्थ पिलर आफ डेमोक्रेसी जिसी बोलदे मीडिया कर्मचारी अगर उंदे उप्पर एफ आई आर दर्ज करवाने तां फिर असें जनता दी प्राब्लम कुस वेल्लै हाईलाइट करनी ऐ जनता दी प्राब्लम असें कुस वेल्लै पब्लिश करनी ऐ क्योंकि साढ़ा टाइम क्योंकि 24 घंटे सारे लागे होंदे लेकिन अगर साढ़ा टाइम वेस्ट अगर
तहसीलें जां कोर्ट दे विच होई जाग ते सोचो फिर इंदे विरुद्ध जेह्की आवाज़ चुक्कने आस्तै कौन अग्गे। साढ़े उमाला पंचायत दे सरपंच की शायद इन्नी गल्ल नहीं लब्भी होगी अगर जिसने केस उन्हें कीता उस केस की बिल्डिंग जेह्की है अज्ज भी तुस दिक्खे ने वाइल्ड लाइफ आह्ली जेह्की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग दे जेह्के तरदाने दरवाजे सारे सड़े दे टुट्टे उंदे आस्तै उन्हें गल्ल नहीं चुकी। रामकोट एंबुलेंस नहीं उंदे आस्तै गल्ल नहीं चुकी लेकिन रामकोट कॉलेज की बिल्डिंग का कम जेह्का चला दा उंदे उप्पर गल्ल नहीं चुकी। लोकें गी पानी नहीं है उंदे उप्पर गल्ल नहीं चुकी। डिस्पेंसरी विच डॉक्टर नहीं उंदे विच गल्ल नहीं कीती लेकिन डिंपल वर्मा ने अमवाला पंचायत की कवरेज की तो उंदे खिलाफ एक FIR दर्ज होगी। जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स विच देई दे क्या एक पत्रकार के खिलाफ अगर कोई बंदा अगर कुसै भी ग्रां दी जां कुसै विलेज दी अगर कवरेज करदा तो नुहाड़े खिलाफ एक FIR दर्ज होंदी तो कुत्थै इस देश का लोकतंत्र और कुत्थै जेके साढ़े दिग्गज नेता बड़े बड़े जेके इक्को गल बोलदे कि असें 3-tier सिस्टम की कम करना। मीडिया साढ़ा नेत्र है मीडिया असें जेका ओह साढ़ियां असलियतियां दसदा। मीडिया जेके जित कोला पोलिटिकल लीडर नहीं पुज्जी सकदे जित्थै एडमिनिस्ट्रेशन आफिसर नहीं पुज्जी सकदे अगर उत्थै अगर मीडिया च कर्मचारी जाइए अगर जीरो ग्रोथ की कवरेज करदा अगर मीडिया की हरैसमेंट करने की अगर इ'यै शरारती तत्व करदे न तो जनता जनार्दन अपनी राय जरूर देई दे। साढ़ी कोई भी कंप्लेंट जेकी पुलिस ने अपनी कार्रवाई की क्योंकि पुलिस लागी जेड़ा भी बंदा जाग तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी अगर कोर्ट के बिच जेका बंदा जाग तो कोर्ट के बिना अपनी कार्रवाई पूरी करनी लेकिन असें एतराज़ डिपार्टमेंट को नहीं असें एतराज़ जेका तो सिर्फ जेकी साढ़े उपर जेकी पाबंदी लाने की कोशिश जेकी कीती है जां साढ़े उपर जेकी अलीगल तरीके कन्नै जेकी FIR झूठियां जेकियां लाने की कोशिश की जा तो इसका मतलब यह है कि कुदै ना कुदै जेकी जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश है और कुदै ना कुदै मीडिया कर्मचारी की आवाज़ दबाने की कोशिश है क्योंकि यह तुस मेरे हत्थै बिच दिक्खी जाने FIR की कापी भी है और अज्ज मेरी जमानत जेकी इत्थुआं दी तहसील मैजिस्ट्रेट पावर जेकी भी जरूर हुई है अज वो किस केस दे विच कि मसले विच कि जो गलबात ही जां किस दे विच अज मैं इत्थों दे जेके जिंदे कोल साड़ा केस लगदा अज मैं उंदी वी जेकी तुहाडे कन्ने रूबरू गल करवा लई तब सर 2 मिनट वाइट देगे तुस हां जी इस केस दे रिलेटेड कुछ केस दे ए जेका मेरा उपर लग्गया जेका भैया साढ़े साहब कुछ लै पहले धारा लगदी है साढ़े कोल इस्तगास आए दा 107 दा मगर मैं बगैर ओह्दी परमिशन कन्नै नहीं देई सकदा साहब दी परमिशन लग जियां कि तुसें सारा सुनिया सारा दिखिया जिस मसले पर मैं अज मैं गल कर रही ना अज मैं तहसील हैडकुआटर रामकोट च खड़ोता लेकिन मैं इतों की कवरेज करनी ही अपने केस के उपर मैं गलबात करनी ही पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की जिस वे मेरा केस जिस वे साड़ा केस जिस वे तहसील हैडकुआटर रामकोट च पुज्जा तो मैं तहसीलदार साहब हुंदे कोला परमिशन मंगी मैं अपने केस उपर जेकी भुगतान जानकारी ली लेकिन तहसीलदार साहब होने बोले कि अस इस उपर वाइट नहीं दे सकते नायब तहसीलदार साहब होने बोले कि अस इस उपर वाइट नहीं दे सकते क्योंकि यह जेका केस जेका कोर्ट के बिच चली दा क्या साढ़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर कड्ढा एक पत्रकार एक जज की क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता हालांकि उन्हें कोई परमिशन नहीं लेने पौंदी है लेकिन असें फिर भी इतने परमिशन देने की एक एप्लीकेशन भी दी लेकिन असें परमिशन नहीं थोई क्योंकि असें इस जगह जी कवरेज करनी ही अज कवरेज करने की इक्को वजह ही कि पंचायत अमवाले के सरपंच ने अलीगल तरीके कन्नै जेका मीडिया कर्मचारी की पैसे दे दौर उपर खरीदने की कोशिश की और अस जेके उंदे पैसे उपर जेके नहीं बिके ते उन्हें लिहाजा केह कीता कि असीं डराने की कोशिश की धमकाने की कोशिश की और डराने धमकाने बाद च इन्हें केह कीता कि एक पुलिस डिपार्टमेंट दे लागी एक एप्लीकेशन देनी दित्ती और एप्लीकेशन देइए जेकी ओह इत्थै कोर्ट च आई लेकिन कोर्ट हा बाद जेके पूरा दिन ते अज्ज जेका हरैसमेंट होई है लेकिन जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देई दे क्योंकि छोटी गल नहीं है क्योंकि अगर हर विलेज च हर क्षेत्र च अगर अस जागे तो अगर असें इ'यां गै हरैसमेंट करन तो फिर इ'नें सरपंचें दे जेके काले चिट्ठे जेके उन्हें कि'यां खोलने न कि'यां पब्लिश करने न कुस करने न इस उपर जनता जनार्दन अपनी राय जरूर देई दे क्योंकि एक सरपंच की गल नहीं है 2 या 3 सरपंच केह करदे ने कि इक्को तालमेल करदे ने क्योंकि इस बंदे इंदा जेका असें ओह करैक्टर जेका बिल्कुल असें डाउन करवाना तां कि नैक्सट टाइम जिस वेलै कोई भी होग तां इंदे करैक्टर उपर जरूर आंच आई जा क्योंकि अस अज सवेरे दी जीरो ग्राउंड दी कवरेज दिक्खिया अज सवेरे इत्थै 4 लगे पुज्जने इसलै तहसीलदार साहब लास्ट टाइम है इस वेलै निकलना दा क्योंकि 4:15 होई दे ने इस वेलै क्योंकि लास्ट टाइम तहसीलदार साहब ने अस इसलिए कवरेज करा ने कुर्सियां बाहर खाली पब्लिक सारी चली दी है 1-2 बंदा गै सिर्फ इत्थै लभदा लेकिन बड़े अफसोस कन्नै बोलना पौंदा कि अगर ऐसे सरपंच जां ऐसे पंच अगर समाज दे विच हैन कि जिस वेलै एक बंदे केस कीता अगर दुए बंदे अगर तरीक आ गई तो फिर जिस बंदे केस कीता तो
बंदा गै अगर पब्लिक दे बिच नहीं होग तो फिर कुदै ना कुदै भी जेह्का केस दे बिच जरूर जेह्का दाल बिच काला, क्योंकि मैं पहले मीडिया माध्यम कन्नै दस्सना कि जित्थै अग्ग लगदी ऐ धुआं उत्थै निकलदा, जरूर जनता जनार्दन अपनी राय देई दे क्यों इस केस दे बिच अनसैसरी जेह्कियां झूठियां FIR लगदियां जां झूठे केस जेह्के इ'यै दे शरारती तत्व लाए, क्योंकि पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी है, क्योंकि पुलिस लागी जेह्का चली जाग तो उन्हें अपनी कार्रवाई करनी। लेकिन एह् पोलिटिकल लीडर खास करके सरपंच जां पंच जां जेह्के बड़े बड़े दिग्गज नेता नी इक्को गल्ल करदे न कि अस जेह्के, लेकिन इन्हें इक्को गल्ल दा पता नहीं है कि जिस वेल्लै भी शिव टाइम दी टीम पत्रकार कुदै भी ग्रां बिच जांदे ना तो वह ग्रां दा मसला चुकदे, ना कि उंदा कोई परसनल होंदा। जिस वेल्लै बार्डर उप्पर लड़ाई होंदी है ना तो पुलिस वाले गै कन्नै जांदे ने जां आर्मी कन्नै जांदी है, उस उंदे कन्नै जेह्के पत्रकार जांदे, और इन्हें बड़े बड़े जेह्के लीडर ना इन्हें घर बैठियै जेह्कियां वह गल्लां करनियां, बड़े बड़े दावे करने कि हाँ जी हम इसका शो करते हैं उसका प्रकट करते हैं, सिर्फ इक्को इ'यै गल्ल करदे ने, सिर्फ गुमराह करदे ने। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कोई इन्ना बेवकूफ नहीं है कि जानी पकड़ो जानी बुझियै कुछ पकड़िए कुछ अंदर करदा है, क्योंकि पुलिस की देख रेख के बिच गै ना और सारा कुछ जेका इत्थे हो जाता, क्योंकि पुलिस ने अच्छा काम किया। अस पुलिस का विरोध बिच नहीं, अस तहसीलदार साहब का विरोध बिच नहीं, लेकिन कुदै ना कुदै जेके असें हरैसमेंट करने की जरूर कोशिश करी जाते, और एक दिन की गल नहीं है, क्योंकि अज की डेट के बिच मैं कवरेज करनी ही कुसै होर ग्रां की, लेकिन अज की मैं कवरेज तहसील हैडक्वार्टर की कवरेज करने का यह मकसद है, क्योंकि अज जेका असें हरैसमेंट किया साड़ी डायनिक शिफ्ट टाइम की टीम की, क्योंकि असें जेके साड़ा टाइम वेस्ट जेका तहसीलें और कोटें बिच हुआ, और अस जेके कुसै भी ग्रां की जेकी सच्चियां रिपोर्टां नहीं दसन, क्योंकि अगर जेल्लै सच्चियां रिपोर्टां दसन तो इन्हें इंदे जेके सरपंच दे ने जेके काले चिट्ठे ने जेके ने ओह खुल्ले दे, और उसका कुदै ना कुदै इन्हें एक डर जेका ना इंदे बिच, और डर जेका ओह साढ़े बिच जेके फलाने की कोशिश करी जाते, और अपने दमाके बिच शायद सरपंच आए पंच जां जेहड़े भी हैन ना आए तो अपने दमाग बिचा कढ़ी लैन कि दैनिक शिफ्ट टाइम दी टीम ना कोई कुसै कोला डरी और ना कोई ओह डरने दा काबिलियत उप्पर है। लेकिन मैं फिर भी इन्हें इक्को दस्सना कि इक्को गल दस्सना कि अपनी जेकी जेह्के थोड़ा कम है जेह्का लोकें तुसें वोट दित्ता पंचें दित्ता सरपंच जेह्के बनदे न अपना वोट जनता ने तुसें दित्ता तो अपनी चेयर उप्पर बैठियै अच्छा काम करन तां कि जनता असें फोन करियै नहीं सद्दै, क्योंकि जनता असें सद्दी अस जाचै जन्ने ना अस, लेकिन जनता अगर अस फोन करियै असें सद्दिया तो अस जन्ने, लेकिन उस बिच अगर तुसें केह् ऐतराज है, इसका मतलब कि तोड़े चार काले चिट्ठे जेह्के बाहर निकलदे न और असें डराने की तुस कोशिश करने और दबाने की कोशिश करी जाने। जनता जनार्दन अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स बिच देई दे, क्योंकि छोटी गल नहीं है बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि एक FIR नहीं है, क्योंकि मैं तुसें पहले सनाया कल भी दस्सिया वीडियो माध्यम कन्नै कि कुदै ना कुदै जेह्का झूठे केस दे बिच असें ये सरपंच जरूर फसाई सकदे न, होई सकदा कि वूमेन कार्ड भी खेली सकदे न साढ़े कन्नै और ऐसा कुछ केस बिच फसाई सकन तां कि साड़ी वो जमानत भी नहीं होऐ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। केस दे बिच तुसें सारा कुछ देखिया, सारा कुछ निचोड़ कढ़ी लेता, लेकिन मैं ब्लाक नगरोटा गुजरू दे जिन्ने भी साढ़े सरपंच न पंच न जां जेहड़े भी साढ़े खिलाफ झूठियां जेहकियां FIR दर्ज करवाने की कोशिश करा दे न, लेकिन मैं उंदे अग्गे इक्को गल बोलना कि जिन्नी निगरानी तुस साढ़ी टीम दे उप्पर रखने ते जिन्ना तुस हरैसमेंट करने आस्तै साढ़ी कोशिश करा दे न, तो मैं इक्को गल तुसें दस्सना कि इन्नी निगरानी तुस साढ़े ब्लाक नगरोटा गुजरू बिच तहसील हैडक्वार्टर रामकोट च तुस यह जेकर बिल्डिंग तुस दिक्खी आने ना, यह बिल्डिंग जेकी दफ्तरे की बिल्डिंग है इस उपर रखन, ट्रेजरी उपर रखन, एम्बुलेंस साढ़े हॉस्पिटल नहीं है उस उपर रखन, जां फिर तुस दिखोगे कॉलेज की बिल्डिंग का कम नहीं लगा दे उस उपर रखन, जां फिर पंचायत मोहल्ले बिच कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अज तक नलका नहीं है, जिन्हें लोगों को पानी नहीं है, जिन्हें लोगों को रोड नहीं है, अगर उनके उपर रखन तो जनता जनार्दन जिन्हें लोगों तुसें वोट दित्ते दे ना तो वो लोग भी थोड़े जेके सलाम करना तुसें भी सोचन कि नहीं असें जिस कैंडिडेट की वोट दिता तो उन्हें साड़ी सुनवाई की है, लेकिन जिन्नी निगरानी तुसें दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम उपर रखी है तो थोड़ा मीडिया माध्यम कन्नै अस स्वागत करने, लेकिन फिर भी मीडिया माध्यम कन्नै में एक गल होर दस्सना कि एह् जेह्का मजिस्ट्रेट दा जेह्का पावर जेह्का कोर्ट जेह्का है ना छोटा जिसे तहसीलदार साहब बैठदे न, क्योंकि इंदे लागी जेकी साड़ी तरीक ही अज्ज, लेकिन जेकी ओह तरीक ही तो जनता ने अपनी राय बड़ी अच्छी कमेंट्स बॉक्स कन्नै दिक्खी लैनी, लेकिन तुसें इस देश का जेका कानून जेका ना वह भी तुसें दिक्खी लैना कि अगर कोई पत्रकार कुसै विलेज च जां कुसै भी दफ्तर जाइए अगर कवरेज करने जांदा तो नुहाड़ी पहले परमिशन लेने पौंदी, तो शायद जेड़े बंदे एह् तुसें पता नहीं है, तो मैं तुसें मीडिया माध्यम कन्नै इक्को दस्सना कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का एक आर्डर निकलदा कि अस जेके पत्रकार कुसै भी डिपार्टमेंट दे विच जाइए अस कुसै दी वाइट लेई सकने, कुसै पुछी सकने कुसै केस उप्पर क्यों इस मसले उप्पर जेके भी नज़र रखे दे लेकिन अपनी वाइट देने कोला भी वंचित रवै दे न, क्यों अगर पंचायत बिच अगर पब्लिक असें बुलाई है तो अस जन्ने, लेकिन फिर भी अगर इ'यां गै अगर सारी टीम उप्पर जेकी जीरो ग्राउंड लैवल दी टीम है उप्पर उं'दे उप्पर अगर FIR दर्ज होई जाङन तां नुहाड़े हा बाद कुत्थै इस देश दा जेह्का लोकतंत्र लब्भना, कुत्थै 3-tier सिस्टम ते कुत्थै जेकी इक आम
आजादी जेकी मिलने लोके मिलनी है। इसका मतलब यह है कि अगर एक मीडिया की दबाने की कोशिश अगर सरपंच करी जा दिन तो सोचो इतो उस इलाके के पब्लिक जेकी है तो उस पब्लिक के उपर क्या अत्याचार होंदा होग। यह तुसें वीडियो के माध्यम कने बड़ा सोहना दिखाया क्योंकि एक महीने की कवरेज 2.5 लाख व्यू मिलिया कल की जी व्यू कम से कम 30,000 व्यू जो मिले और अज की न्यूज़ न्यूज़ का जो व्यू भी काफ़ी ज़्यादा जाना क्योंकि एक पत्रकार की हरासमेंट करने वाले कौन है पंचायत उमाला के सरपंच शायद उन्हें इस गल का पता नहीं है कि शायद अगर एक पत्रकार की गल की दबाना शायद साढ़े देश के लोकतंत्र उपर जो भी खतरा मंडरा क्यों क्योंकि पत्रकार की आवाज़ नहीं होती आवाज़ की जनता की आवाज़ होती क्योंकि असं जनता की गल सोशल पब्लिश करने लेकिन ना कि किसी दबाव दे विच आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जय हिंद। ये तुम जी एप्लीकेशन देखी जाने ना ये डिंपल वर्मा पत्रकार दैनिक शिव टाइम दे ने अज पुलिस पोस्ट रामकोट की दी है क्योंकि पंचायत उमाले बच्चे अस रिपोर्टिंग करने गए उतों के सरपंच ने साढ़े उपर जो धमकिया भी दी और गुमराह करने की भी असें कोशिश की है कि साड़ी पंचायत तो रिपोर्टिंग करने नहीं आओ। तो इस मैं अपनी सेफ्टी मैं पल्ले गए जी एप्लीकेशन जी मैं वो पुलिस पोस्ट रामकोट दी है कि मैं अपील करना पुलिस पोस्ट रामकोट के इंचार्ज आगे कि तुम जी इस उपर भी कार्रवाई बड़ी जल्द कोला जल्द की जा और मिकी जो खतरा जो अपनी जान का भी है क्योंकि अज की डेट के अगर मिकी कोर्ट के अगर तरीक पाई सकते तो कल की मिकी ये कुसै मरवाई भी सकते और कल की कुसै वूमेन कार्ड भी खेली सकते कुसै केस के मिकी फसाई भी सकते। तो लिहाजा मैं अज जी पहले गै अपनी एक एप्लीकेशन जी मैं पुलिस पोस्ट रामकोट च मैं जी दे जाना मैं अच्छा।